कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी श्री जी किशन रेड्डी जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी, डायना कैलॉग जी, दुनिया के विभिन्न देशों से आए अतिथिगण, कला जगत के सभी गणमान्य साथियों, देवी और सज्जनों, लाल किले का ये प्रांगण अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है। ये किला केवल इमारत नहीं, यह एक इतिहास है। आजादी के पहले और आजादी के बाद कितनी ही पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन लाल किला अड़ीग है, अमिट है। इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट लाल किले में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। साथियों, हर राष्ट्र के पास उसके अपने प्रतीक होते हैं जो विश्व को उसके अतीत से और उसके मूल्यों से परिचित करवाते हैं, और इन प्रतीकों को गढ़ने का काम राष्ट्र की कला, संस्कृति और वास्तु का होता है। राजधानी दिल्ली तो ऐसे ही कितने प्रतीकों का केंद्र है, जिनमें हमें भारतीय वास्तु की भव्यता के दर्शन होते हैं। इसलिए दिल्ली में आयोजित हो रहे इंडिया आर्ट आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनाले कई आयोजन कई मायनों में खास है। मैं अभी यहां बनाए गए पैवेलियंस देख रहा था, और मैं आपकी क्षमा भी मांगता हूं कि मैं लेट भी इसी के कारण आया कि वहां एक से बढ़कर ऐसे देखने योग्य समझने योग्य चीजें हैं कि मुझे आने में विलंब हो गया, और फिर भी मैं दो तीन स्थान तो छोड़ने पड़े मुझे। इन पैवेलियंस में कलर्स भी हैं, क्रिएटिविटी भी है, इसमें कल्चर भी है और कम्युनिटी कनेक्ट भी है। मैं इस सफल शुरुआत के लिए संस्कृति मंत्रालय, उसके सभी अधिकारी, इसमें प्रतिभाग कर रहे सभी देशों को और आप सभी को बधाई देता हूं। हमारे यहां कहा जाता है कि किताब जो है वो दुनिया देखने की एक छोटी सी विंडो के रूप में शुरुआत करता है। मुझे लगता है कला मानव मन के भीतर की यात्रा का महामार्ग है। साथियों, भारत हजारों वर्ष पुराना राष्ट्र है। एक समय था जब दुनिया में भारत की आर्थिक समृद्धि के किस्से कहे जाते थे। आज भी भारत की संस्कृति, हमारी प्राचीन धरोहरें पूरी दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करती है। आज देश विरासत पर गर्व इस भावना लेकर अपने उस गौरव को फिर से आगे बढ़ा रहा है। आज आर्ट और आर्किटेक्चर से जुड़े हर क्षेत्र में आत्मगौरव की भावना से काम हो रहा है।
चाहे केदारनाथ और काशी जैसे हमारे सांस्कृतिक केंद्रों का विकास हो, महाकाल महालोक जैसे पुनर्निर्माण हो, या आजादी के अमृत काल में भारत सांस्कृतिक समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है, इसके लिए ठोस प्रयास कर रहा है। भारत में हो रहा ये बिएनाले इस दिशा में एक और शानदार कदम है। इसके पहले हमने देखा है यहां दिल्ली में ही इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो हुआ था, अगस्त में फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज का आयोजन भी किया गया था। इन कार्यक्रमों के जरिए हमारा प्रयास है कि भारत में ग्लोबल कल्चरल इनिशिएटिव को संस्थागत बनाया जाए, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए, एक आधुनिक व्यवस्था बनाई जाए। हम चाहते हैं कि वेनिस, साओ पाउलो, सिंगापुर, सिडनी, शारजा जैसे बिएनाले और दुबई लंदन जैसे आर्ट फेयर्स की तरह दुनिया में भारत के आयोजनों की भी बड़ी पहचान बने। और इसकी जरूरत इसलिए भी होती है कि आज मानव जीवन पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव इतना बढ़ता गया है और कोई भी दूर का जो देखता है वो नहीं चाहेगा कि उसका समाज रोबोट हो जाए। हमें रोबोट तैयार नहीं करने, हमें इंसान बनाने और उसके लिए संवेदनाएं चाहिए, उर्मी चाहिए, सद्भावना चाहिए, उमंग चाहिए, उत्साह चाहिए, आशा निराशा के बीच जीने के तरीके चाहिए। ये सारी चीजें कला और संस्कृति के माध्यम से पैदा होती है। जोड़ तोड़ के लिए तो टेक्नोलॉजी बहुत तेज काम कर सकती है और इसलिए इस प्रकार की चीजें मानव की भीतर के सामर्थ्य को जानना, पहचानना, उसे जोड़ना, इसके लिए एक बहुत बड़ा सहारा देती है। और साथियों, अपने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ही आज आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन का लोकार्पण भी हुआ है। ये सेंटर भारत की यूनिक और रेयर क्राफ्ट्स को, दुर्लभ कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए मंच देगा। ये कारीगरों और डिजाइनर्स को साथ लाने, मार्केट से इसे उन्हें इनोवेशन करने में मदद करेगा। इसे कारीगरों को डिजाइन डेवलपमेंट की भी जानकारी मिलेगी और वो डिजिटल मार्केटिंग में भी पारंगत होंगे। और हम जानते हैं भारतीय शिल्पियों में इतनी प्रतिभा है कि आधुनिक जानकारी और संसाधनों के साथ वो पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, भारत में 5 शहरों में कल्चरल स्पेस बनाने की शुरुआत होना भी एक ऐतिहासिक कदम है। दिल्ली के साथ साथ कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद और वाराणसी में बनने वाले ये कल्चरल स्पेस इन शहरों को सांस्कृतिक रूप से और समृद्ध करेंगे। ये सेंटर लोकल आर्ट को एनरिच करने के लिए इनोवेटिव आइडियाज को भी आगे बढ़ाएंगे। आप सभी ने अगले 7 दिनों के लिए 7 महत्वपूर्ण थीम्स भी तय की है। इसमें देशज भारत डिजाइन और समत्व, इन थीम्स को हमें एक मिशन के रूप में आगे लेकर चलना होगा। देश यानी इंडिजीनियस डिजाइन को एनरिच करने के लिए ये जरूरी है कि हमारे युवाओं के लिए अध्ययन और रिसर्च का हिस्सा बने।
समत्व थीम वास्तु के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को सेलिब्रेट करती है। मुझे विश्वास है नारी शक्ति की कल्पना शक्ति, उनकी रचनात्मकता इस क्षेत्र को नई ऊंचाई पर लेकर जाएगी। साथियों, भारत में कला को, रस और रंगों को जीवन का पर्याय, सिनोनिम ऑफ लाइफ माना गया है। हमारे पूर्वजों ने तो यहां तक कहा है कि साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाणहीन, अर्थात मनुष्य और दूसरे जीव जंतुओं में साहित्य संगीत और कला का ही मुख्य अंतर है। यानी सोने जागने और पेट भरने की आदतें अपनी स्वाभाविक होती है, लेकिन ये कला साहित्य और संगीत ही है जो मनुष्य के जीवन में रस घोलते हैं, उसे खास बनाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ जीवन की अलग अलग जरूरतों को, अलग अलग दायित्वों को चतुशास्त्र कला 64 आर्ट्स के उसे जोड़ा गया है। जैसे कि गीत संगीत के लिए वाद्य, नृत्य और गायन कलाएं हैं, इनमें भी वॉटर वेव्स आदि पर आधारित उदक वाद्यम यानी जलवाद्य जैसे स्पेसिफिक आर्ट्स भी हैं। हमारे यहाँ कितनी तरह के सेंट्स या परफ्यूम बनाने के लिए गंध युक्त ही कला है, मीनाकारी और नकाशी के लिए तक्षकर्म कला सिखाई जाती है, कढ़ाई बुनाई के सौंदर्य की बारीकियों को सिखाने के लिए सुचिवान कर्माणी कला है। हमारे यहाँ ये सब काम कितने परफेक्शन के साथ किए जाते थे, इसका था अंदाजा आप भारत में बनने वाले प्राचीन वस्त्रों से लगा सकते हैं। कहा जाता था कि कपड़े का पूरा थान मलमल ऐसा बनता था कि एक अंगूठी में से उसको पार किया जा सकता था। यानी ये सामर्थ्य था। भारत में नक्काशी मीनाकारी जैसे काम भी केवल सजावट की चीजों तक सीमित नहीं थे, बल्कि तलवारों, ढालों, भालों जैसी युद्ध की चीजों पर भी अद्भुत कलाकारी देखने को मिलती थी। इतना ही नहीं, अगर कोई, मैं तो चाहूंगा कभी इस थीम पर कोई सोचे, हमारे यहाँ पशुओं के आभूषण, घोड़े पर अपना डॉग रखते हैं तो उस पर बैल होते थे, गाय होते, उस पर जो आभूषण में जो विविधताएं थी, कला थी, यानी अपने आप अजूबा है। और कितना परफेक्शन था कि उस पशु को फिजिकली तकलीफ ना हो, इसकी पूरी केयर करके बनाया जाता था। यानी अगर इन चीजों को समाहित करके देखें तब पता चलता है कि कितना सामर्थ्य इसमें भरा हुआ है। साथियों, ऐसी कितनी आर्ट्स हमारे देश में रही है, और यही भारत का प्राचीन इतिहास रहा है, और आज भी भारत के कोने कोने में इसके निशान हमें मिलते हैं। मैं तो जिस शहर का सांसद हूँ वो काशी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। काशी को अविनाशी कहते हैं क्योंकि काशी गंगा के साथ साथ साहित्य, संगीत और कलाओं के अमर प्रवाह की धरती है। आध्यात्मिक तौर पर कलाओं के जन्मदाता माने जाने वाले भगवान शिव को काशी ने अपने हृदय में स्थापित किया है। ये कलाएं, ये शिल्प और संस्कृति मानवीय सभ्यता के लिए ऊर्जा प्रवाह की तरह है, और ऊर्जा अमर होती है, चेतना अविनाशी होती है। इसीलिए काशी भी अविनाशी है। फ्रेंड्स, भारत के इस कल्चर को देखने के लिए
दुनिया भर से जो लोग आते हैं उनके लिए कुछ महीने पहले हमने एक नई शुरुआत की थी। हमने गंगा विलास क्रूज चलाया था जो काशी से असम तक गंगा के अंदर प्रवास करते हुए यात्रियों को लेकर गया था। इसमें दुनिया के अनेक टूरिस्ट आए थे, करीब 45-50 दिन का वो कार्यक्रम था। एक ही यात्रा में उन्हें गंगा के किनारे बसे कितने ही शहरों और गांवों और इलाकों का अनुभव प्राप्त हुआ और हमारा मानव संस्कृति का विकास भी नदी के तटों पे हुआ है। अगर एक बार नदी के तट की कोई यात्रा करता है तो जीवन की गहराई को जानने के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है और इसी एक विचार में से ये गंगा क्रूज को हमने शुरू किया था। फ्रेंड्स, कला का कोई भी स्वरूप क्यों ना हो, उसका जन्म प्रकृति के नेचर के निकट ही होता है। यहां भी मैंने जितना देखा कहीं न कहीं नेचर का एलिमेंट उस आर्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उससे बाहर एक भी चीज नहीं है। इसलिए आर्ट बाय नेचर और प्रो एनवायरनमेंट एंड प्रो क्लाइमेट है। जैसे दुनिया के देशों में रिवर फ्रंट की बहुत बड़ी चर्चा होती है कि भाई फलां देश में टिकना रिवर फ्रंट वगैरह वगैरह, भारत में हजारों वर्ष से नदियों के किनारे घाटों की परंपरा है। हमारे कितने ही पर्व और उत्सव इन्हीं घाटों से जुड़े होते हैं। इसी तरह कूप, सरोवर, बावड़ी, स्टेपवेल्स की एक समृद्ध परंपरा हमारे देश में थी। गुजरात में रानी की वाव हो, राजस्थान में अनेक जगहों पर, दिल्ली में भी आज भी कई स्टेपवेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो रानी की वाव है उसकी विशेषता ये है कि पूरा उल्टा टेंपल है, यानी कैसे उस समय की कला सृष्टि को सोचने वालों लोगों ने इसका निर्माण किया होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सारे हमारे पानी से जुड़े जितने संग्रह के स्थान हैं, इनका आर्किटेक्चर आप देखिए, इनका डिजाइन देखिए, देखने में किसी मेगा मार्वल से कम नहीं लगते। इसी तरह भारत के पुराने किलों और दुर्गों का वास्तु भी दुनिया भर के लोगों को हैरान करता है। हर किले का अपना आर्किटेक्चर है, अपना साइंस भी है। मैं कुछ दिन पहले ही सिंधुदुर्ग में था जहां समुद्र के भीतर बहुत ही विशाल किला निर्मित है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जैसलमेर में भी पटवों की हवेली भी गए होंगे। 5 हवेलियों के इस समूह को इस तरह बनाया गया था कि वो नेचुरल एयर कंडीशनिंग की तरह काम करता है। ये सारा आर्किटेक्चर न केवल लॉन्ग सस्टेनिंग होता था बल्कि एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी होता था, यानी पूरी दुनिया के पास भारत के आर्ट एंड कल्चर से बहुत कुछ जानने सीखने के लिए अवसर है। फ्रेंड्स, आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर ये मानवीय सभ्यता के लिए डायवर्सिटी और यूनिटी दोनों के स्रोत रहे हैं। हम दुनिया के सबसे विविधतापूर्ण राष्ट्र हैं, लेकिन साथ ही वही विविधता में हमें आपस में जोड़ती है। जब मैं अभी किलों की बात कर रहा था, मैं 1-2 साल पहले कार्यक्रम के लिए बुंदेलखंड गया था, झांसी के किले पर एक कार्यक्रम था। फिर मैंने वहां सरकार से बातचीत की कि हमने बुंदेलखंड को फोर्ट टूरिज्म के लिए डेवलप करना चाहिए, और बाद में उन्होंने सारा रिसर्च किया, उसका जो ग्रंथ तैयार हुआ है आप हैरान हो जाएंगे। अकेले बुंदेलखंड में इतना रिच हेरिटेज सिर्फ फोर्ट्स का है, सिर्फ झांसी का नहीं, अनेक जगह पे और पास पास में ही सारे, यानी इतना सामर्थ्यवान है
मैं तो चाहूँगा कभी हमारे जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं वो वहाँ जाकर के उसको आर्ट वर्क करने का एक बहुत बड़ा कंपटीशन रखा जा सकता है, तभी जाकर के दुनिया को पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ निर्माण किया है। क्या आपने सोचा है कि भारत की इस डाइवर्सिटी का स्रोत क्या है? इसका स्रोत है मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भारत का डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन। आर्ट, आर्किटेक्चर और कल्चर तभी फलते फूलते हैं जब समाज में विचारों की स्वतंत्रता होती है, अपने ढंग से काम करने की आजादी मिलती है। डिबेट और डायलॉग की इस परंपरा से डायवर्सिटी अपने आप पनपती है। इसलिए आज भी हमारी सरकार जब कल्चर की बात करती है तो हम हर तरह की विविधता का स्वागत भी करते हैं, उसे सपोर्ट भी करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों और शहरों में G20 के आयोजन के जरिए हमने अपनी इस विविधता को दुनिया के सामने शोकेस किया है। साथियों, भारत अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसा, इस विचार को जीने वाला देश है। अर्थात हम अपना पराया की सोच से जीने वाले लोग नहीं है, हम स्वयं की जगह वयम की आस्था रखने वाले लोग, हम सेल्फ की जगह यूनिवर्स की बात करने वाले लोग। आज जब भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रहा है तो पूरा विश्व इसमें अपने लिए बेहतर भविष्य देख रहा है। जैसे भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ से पूरे विश्व की प्रगति जुड़ी है, जैसे आत्मनिर्भर भारत के हमारे विजन में पूरे विश्व के लिए नए अवसर जुड़े हैं, वैसे ही आर्ट और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में भी भारत के पुनरुदय से, भारत के सांस्कृतिक उत्थान से पूरे विश्व के हित जुड़े हैं। हमने योग जैसी अपनी विरासत को आगे बढ़ाया तो आज इसका लाभ पूरी दुनिया को हो रहा है। हमने आयुर्वेद को आधुनिक वैज्ञानिक मानकों पर मजबूत बनाने के लिए प्रयास शुरू किए तो इसकी अहमियत पूरी दुनिया समझ रही है। हमने अपने सांस्कृतिक मूल्यों को सामने रखकर सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए एक नए विकल्प संकल्प किए। आज मिशन लाइफ जैसे अभियानों के जरिए पूरे विश्व को बेहतर भविष्य की उम्मीद मिल रही है। आर्ट, आर्किटेक्चर और डिजाइन के क्षेत्र में भी भारत जितनी मजबूती से उभरेगा उसका उतना ही लाभ पूरी मानवता को होने वाला है। साथियों, सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती है, इसलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी, उनके साथ हमारी पार्टनरशिप बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा कि आयोजन का आगे और भी विस्तार हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आए। मुझे विश्वास है ये आयोजन इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित होगा। इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और देशवासियों से मेरा आग्रह है कि मार्च महीने तक ये आपके लिए उपलब्ध है, पूरा दिन निकालिए, एक एक चीज को देखिए, हमारे यहाँ कैसी प्रतिभाएं हैं, कैसी परंपराएं हैं, प्रकृति के प्रति हमारा कितना लगाव है, इन सारी बातों को एक जगह पर महसूस कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।